पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपने चेक इन की एंट्री कैसे करनी है कस्टमर की, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर कस्टमर पहले से बुकिंग करवाता है, एडवांस बुकिंग करवाता है या रिजर्वेशन करवाता है, उसकी एंट्री आपने कैसे करनी है और उस रिजर्वेशन को आपने चेक इन की एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे। रिजर्वेशन की एंट्री के लिए यहाँ पे हमने न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे बुकिंग डेट आ जाएगी, जो भी क्रांति डेट होगी वो उठाएगा सॉफ्टवेयर। जो भी बुकिंग डेट है आप बुकिंग डेट डाल के एंटर करोगे, बुकिंग नंबर आ जाएगा, यहाँ पे हमने एंटर करना है। या फुल नेम में प्लस का साइन है वहाँ से एंटर करते हैं तो ये डिटेल आ जाती है हमारे पास कस्टमर के नाम की, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम नाम दे देंगे जो भी कस्टमर है हमारा जो रिजर्वेशन करवा रहा है। ये सारी डिटेल डाल के जो भी जेंडर वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, इसको हमने सबमिट कर देना है। यहाँ से हम फिर से एंटर करेंगे। यहाँ हमने पैकेज सेलेक्ट करना है, जो भी हम कस्टमर को देना है हमने पैकेज वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मल है, ट्रैवल एजेंट के थ्रू आ रहा है तो ट्रैवल एजेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी पैकेज दे रहे हैं यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नॉर्मल पैकेज दे रहे हैं उसको। नॉर्मल पैकेज सेलेक्ट करते ही इधर यहाँ पे दिखा देगा सॉफ्टवेयर रूम्स के जो भी रेट हैं नॉर्मल पैकेज के लिए। तो हर पैकेज को हमने अलग अलग रेट दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं पैकेज में तो वो रेट दिखा देता है सॉफ्टवेयर आपको रूम के। यहाँ पे अगर वो किसी कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी के थ्रू आया है, तो कंपनी का नाम दे सकते हो आप, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है ये। बिजनेस सोर्स में आ जाएगा कि वो जो कस्टमर है वो किसके थ्रू आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है होटल में या गाइड के थ्रू आ रहा है, ट्रैवल एजेंट या वेबसाइट, जो भी है यहाँ से आप ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर लोगे, जैसे भी वो आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल आ जाएगी, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, एंटर करेंगे। ये सारे जो फोन नंबर वगैरह हैं ये डाल के आप सबमिट कर सकते हो। एंटर करेंगे, स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, सिटी कौन सी है वो डाल देंगे, पोस्टल कोड वगैरह, फॉरन नंबर में वैसे ही डाल रही हूँ, स्टेट कौन सा है, ये ईमेल आईडी की डिटेल आ जाएगी उसकी। अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट है अटैच करना है आपने तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल आ जाएगी, जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहिए, जो भी जैसे कि आधार कार्ड होता है, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है उसका नाम दे दोगे यहाँ पे। उसके बाद ये कार्ड की सारी जो भी डिटेल है आप फिल करके इसको आपने बस ऐड कर देना है। यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने आधार कार्ड को स्कैन करके रखा है अपने सिस्टम में तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो इमेज को, सेलेक्ट कर लोगे जहाँ पे भी रखा होगा, ओपन कर लोगे तो उसके बाद जो भी पाथ होगा फाइल का अटैच की है जो आपने, वो पाथ यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर कभी भी जरूरत पड़े देखने की उस प्रूफ को तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो वो आपको फाइल दिखा देगा सॉफ्टवेयर। तो अभी हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। रिमार्क्स में कुछ भी नोट करना चाहें आप कर सकते हो, यहाँ से आपने एंटर करते हुए इसको ऐड कर देना है। ये ऐड हो जाएगा पूरी डिटेल के साथ। अभी हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं, तो एंटर करेंगे। यहाँ पे विजिट डेट आ जाएगी, कस्टमर जिस डेट को आ रहा है वो डेट डाल देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल हम 12 को आ रहा है वो टाइम, कितने टाइम पे आ रहा है टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, कितने दिन के लिए आ रहा है, 2 डेज के लिए आ रहा है वो। और यहाँ पे जेंट्स कितने हैं, लेडीज़ कितनी है, मान लीजिए ये फैमिली है, 1 लेडी है, चिल्ड्रन भी डाल सकते हो आप अगर हो तो। तो यहाँ पे आपने रूम सेलेक्ट करने हैं, जो भी उन्होंने रूम बुक करवाए हैं वो आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे टाइप जो भी है, डिलक्स रूम उन्होंने बुक करवाया है, एसी रूम है, जो भी टाइप है उसको सेलेक्ट कर लोगे। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करते ही डिलक्स रूम का जो भी रेट है वो सॉफ्टवेयर ने बता दिया है आपको, नीचे आ गया है ये पर डे के हिसाब से। तो अगर वो एडवांस में कोई पेमेंट दे रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, रिजर्वेशन में भी एडवांस मनी डाल दोगे अगर वो एडवांस दे रहे हैं आपको, मान लीजिए 1000 जो है उन्होंने एडवांस दे दिया। यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ नोट करना चाहें इस रिजर्वेशन के रिगार्डिंग या फिर कस्टमर के रिगार्डिंग तो आप कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। इसको अभी हम सेव कर देते हैं, ओके करेंगे। अगर आपने प्रिंट करना है सीट को तो यस कर सकते हो आप। तो इस तरह से आपके पास सीट आ जाएगी, तो ये अपने अकॉर्डिंग भी आप डिज़ाइन करवा सकते हो सीट को। क्लोज करेंगे इसको। अभी देखिए जो जो भी आप रिजर्वेशन करते जाओगे वो सारी जो भी एंट्रीज हैं वो आपको लिस्ट में ऐसे आती जाएंगी आपके पास। तो यहाँ पे क्लियर रिजर्वेशन पे आप टिक लगा के आप चेक कर सकते हो कि कौन सी जो रिजर्वेशन है वो चेक इन में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर उनकी लिस्ट देखनी है तो आप यहाँ पे टिक लगा के ओके करोगे,
तो देखिए ये जो मिस्टर नितिन कुमार है उनकी रिजर्वेशन जो थी वो चेक इन में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो भी चेक इन हो चुकी है रिजर्वेशन की। यहाँ पे आपको टिक लगा के ओके करोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कस्टमर ने विजिट करना है आज के दिन होटल में, तो उनकी लिस्ट देखनी है उसके लिए आपने यहाँ पे टिक लगा के ओके करना है। तो आपको दिखा देगा सॉफ्टवेयर के कौन से कस्टमर ने आज के दिन विजिट करना है। तो यहाँ पे डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हो, डेट डाल के आप लिस्ट निकाल सकते हो इस डेट के किस कस्टमर ने आना है। तो जैसे ये एंट्री की गई है रिजर्वेशन की, 5 तारीख को रिजर्वेशन की करवाई गई थी, विजिट डेट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा, रूम उसने जो भी बुक करवाया हुआ है वो दिखा रहा है। इस तरह से आप कोई भी लिस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने किसी पर्टिकुलर जो भी आपका गेस्ट है उसको चेक करना है, उसकी डिटेल देखनी है लिस्ट में से, तो आप फुल नेम दोगे उसका यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं, किसी के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो किसी भी कस्टमर को। यहाँ पे भी बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टेट, सिटी, जैसे भी आप चाहें सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट आ जाती है सारी, जो भी हम रिजर्वेशन करेंगे उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी डेट वाइज। नई रिजर्वेशन की एंट्री करनी है तो न्यू पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से क्लोज करने के लिए हम लॉग आउट कर देंगे इसको। तो इस तरह से आपने कस्टमर की एडवांस बुकिंग करनी है, रिजर्वेशन करनी है, उसके बाद जब भी वो उसकी चेक इन करनी है आपने, वो विजिट करेगा तो उसके लिए फिर आपने चेक इन पे आना है, न्यू पे करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे एंटर करते ही जब भी हम नंबर से यहाँ पे जो भी चेक इन नंबर है उसके आगे एंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने लिस्ट आ जाती है रिजर्वेशन की। यहाँ से प्लस के साइन से जो भी एंटर करते हैं हम तो रिजर्वेशन की लिस्ट आ जाती है, जो भी रिजर्वेशन हमने की थी उनमें से जो भी कस्टमर हमारे पास विजिट कर रहा है तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये विशाल है, इसकी हमने रिजर्वेशन की थी, तो मान लीजिए ये आज के दिन आ रहा है तो हम डबल क्लिक कर देंगे इसको। डबल क्लिक करते ही वो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन हमने रिजर्वेशन में डाली थी वो सारी सॉफ्टवेयर यहाँ पे उठा लेगा, आपको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म को। तो उसका सारा एड्रेस वगैरह उठा लिया, कितने दिन के लिए आया है वो, कितने पर्सन हैं, उन्होंने जो रूम है वो डिलक्स रूम वो करवाया था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अगर इन केस कभी आपको रूम चेंज करने की जरूरत पड़े, रिजर्वेशन के टाइम आपने डिलक्स रूम बुक किया था इनके लिए, तो मान लीजिए कभी ऐसी जरूरत पड़े कि आपने रूम चेंज करना है या कोई और एक्स्ट्रा से रूम लेना है तो आपने यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी अवेलेबल रूम होंगे सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा, ये ग्रीन कलर का जो मार्क दिया हुआ है फ्लैग का, इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर दिखा देगा कि कौन कौन से रूम जो हैं वो खाली हैं अभी, अवेलेबल हैं, तो उनमें से आप कोई भी रूम टिक लगा सकते हो। अगर एक्स्ट्रा रूम लेना है उन्होंने एट ए टाइम, आप यहाँ पे रूम बुक कर सकते हो, या फिर रूम चेंज करना है चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने एडवांस मनी दी थी 1000 रिजर्वेशन के टाइम, तो वो भी सॉफ्टवेयर ने दिखा दिया यहाँ पे। अगर चेक इन के टाइम कोई वो दे रहे हैं आपको एडवांस दे रहे हैं पेमेंट, तो यहाँ पे एडवांस में डाल सकते हो। तो इसके बाद बस आपने इसको सेव कर देना है सीधे, सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर रिजर्वेशन वाली उठा लेना। तो अभी हम सेव कर देते हैं इसको, ओके करेंगे। अगर आपने रिसीट प्रिंट करनी है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे हम। तो इस तरह से आपने जो भी रिजर्वेशन आपने की होगी उसको आपने चेक इन में कन्वर्ट करना है इस तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कस्टमर की चेकआउट की एंट्री कैसे करनी है। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो हमें, टाइम टू टाइम हम उसका रिप्लाई करते रहेंगे। थैंक यू।